नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं स्पेन नाइन न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी और कांग्रेस तो चुनाव की तैयारियां कर ही नहीं है, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है। विपक्षी पार्टियां भी इस बात की कोशिश कर रही है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कैसी हासिल की जाए। वहीं पीएम पद को लेकर भी बड़ी खबर देखने को मिली है। पीएम पद के लिए कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जिनमें बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और ऐसे तमाम नेता हैं जो ये सपना देख रहे हैं कि अगले पीएम वही बनेंगे। लेकिन देखिए, ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन सबके ख्वाब पूरे नहीं होते, सबका सपना पूरा नहीं होता। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह की तमाम तरह की रणनीतियां बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही हैं, बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है, इसका तो एक साफ ये देखने को मिल रहा है कि अब की बार, जी हाँ, 2019 में बीजेपी ही सत्ता में आएगी। देखिए, हमारे एक खास प्रोग्राम, एक प्रोग्राम दर्शकों के नाम, इस प्रोग्राम के जरिए हम उन दर्शकों के प्रोग्राम, उन दर्शकों के कमेंट अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो दर्शक अच्छा और पॉजिटिव कमेंट करते हैं। बीते दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था चुनाव को लेकर, पार्टियों को लेकर, उसमें बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किए थे, बहुत सारे यूजर्स के कमेंट देखने को मिले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि उसमें ये देखने को मिला था कि बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कमेंट पॉजिटिव और सही कमेंट जो है वो अपने प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। और जैसा कि हम हमेशा से ये प्रोग्राम करते आए, और पहला कमेंट की अगर मैं बात करता तो लेता हूँ मिस्टर नाईबारा का। मिस्टर नाईबारा लिखते हैं, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, 2019 में केवल 130 सीटें मिलेगी, बीजेपी का पहले राजस्थान एमपी छत्तीसगढ़ में सूपड़ा साफ होगा। आपको बता दूँ, तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको बात लेके उन्होंने कही है कि यहाँ पर इनका सूपड़ा साफ होगा। खैर, ये तो जनता तय करेगी किसका सूपड़ा साफ होता है, किसके सरताज सजेगा, ये हम नहीं तय करेंगे। इस बात का फैसला करेगी जनता, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता ही इस बात का तय करती है कि किसके हाथ में सत्ता देनी है और किसे सत्ता से बेदखल करना है, तो ये फैसला जनता करेगी। चलिए अगला कमेंट मैं ले लेता हूँ महताब हसनी का। महताब लिखते हैं कि इस बार महागठबंधन ही जीतेगा। वो उन्होंने ये बात लिखी कि इस बार महागठबंधन की जीत होगी। देखते हैं कि आखिरकार विपक्षी पार्टियों की एकता में कितना दम है, क्या वो मोदी सरकार को डरा देती है, क्या वो मोदी सरकार को घेरने के लिए या मोदी सरकार को तोड़ने के लिए क्या कोशिश करती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं चुनाव जीतने के लिए, तमाम तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, तमाम तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही हैं, जहां विपक्ष रणनीति बना रहा है। मैं बात करता हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तो वो भी पीएम बनने का ख्वाब देख रही हैं और रणनीति बनाने में लग गई। लेकिन वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का एक अलग रूप देखने को मिला है, नया अंदाज देखने को मिला है। बीते कुछ समय पहले जब यूपी में गोरखपुर और फूलपुर पर उपचुनाव हुए थे, उस दौरान जिस तरह से सपा बसपा की जीत हुई थी, तब से बसपा सुप्रीमो मायावती का एक अलग रूप देखने को मिला। तब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहीं ना कहीं मन ही मन में पीएम बनने की बात भी ठान ली थी, और इसी बात को देखते हुए उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे पार्टी की छवि खराब हो, ऐसा भाषण ना दे, ऐसी बयानबाजी ना करें, किसी भी जो और संवेदनशील मामला हो उस पर बोलने से भी बचें, इस तरह की बात उन्होंने कही है, झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दे। आपको मैं बता दूं कि बीते दिनों बसपा के एक नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर और राहुल गांधी को लेकर एक गलत बयान दिया था, जिससे जी हाँ इतना नाराज हो गई थी मायावती कि उन्होंने नेता के खिलाफ एक्शन लेते हुए बड़ा कदम उठाया था और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता करार दे दिया था। तो ये चीज़ें इस बात से देखने को मिलती है, इस तरीके से देखने को मिलती है कि किस तरीके से
कह सकते हैं मायावती कोशिश कर रही है कि वही पीएम बने। किस तरह से वो कह उन्होंने ये भी कहा था कि वो हर राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही हैं, वो सभी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयारियां की जा रही हैं। और अगर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने भी जब कहा था कि अगर कांग्रेस जीतती है तो प्रधानमंत्री वही बनेंगे, तो क्या देश की जनता राहुल गांधी पर भरोसा कर सकती है? क्या देश की जनता कांग्रेस पर भरोसा कर सकती है? राहुल गांधी का जिस तरह से अभी तक का भाषण देखने को मिला है, उस दौरान ये देखने को मिला है कि राहुल गांधी के अंदर वो परिपक्वता नहीं है जो होनी चाहिए एक पीएम के अंदर। संसद के दौरान राहुल गांधी ने जो हरकत की उसे लेकर भी मामला सामने आया। और सबसे बड़ी बात देखिए ये भी देखने को मिली कि जिस तरह से संसद में पीएम के गले लगे थे राहुल गांधी, इससे कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि राहुल गांधी के अंदर वो काबिलियत नहीं है, राहुल गांधी के अंदर वो चीज़ें नहीं है जो एक पीएम उम्मीदवार के अंदर होनी चाहिए। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये भी देखने को मिली थी कि जिस तरह से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी नाराज हो गई थी राहुल गांधी की हरकत से, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद की गरिमा का उल्लंघन करते हुए, सीमाओं का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से एक पीएम के गले इस तरह से लगे थे, तो ये बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि संसद की एक अपनी अलग गरिमा होती है, एक अलग छवि होती है, और उसको लांघ कर जिस तरह से राहुल गांधी ने काम किया था, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि राहुल गांधी ने ये हमेशा से कहा है कि जब भी वो संसद में बोलेंगे तो बाढ़ आ जाएगी, अगर वो संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। हालांकि संसद में बोलने का मौका राहुल गांधी को दिया गया, लेकिन वो बात नजर नहीं आई जो एक पीएम उम्मीदवार के रूप में होनी चाहिए थी। वो चीजें नहीं देखने को मिली जो कह सकते हैं कि जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने की थी। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये भी है कि क्या बीजेपी इन नेताओं के सपनों को कह सकते हैं कि उनके जो सपने हैं उन पर पानी फेरने का क्या काम करेगी? क्या बीजेपी इन नेताओं का सपना पूरा होने देगी? क्योंकि तो जिस तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है, और जनता की अगर हम बात करते हैं तो जनता भी कहीं ना कहीं मोदी के सपोर्ट में नज़र आ रही है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि चुनाव कौन जीतेगा, किसके सर ताज सजेगा, एक जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि जनता भी जिस तरह से पीएम मोदी को पसंद कर रही है, तो इसका एक साफ साफ सा मतलब भी देखने को मिला है कि 2019 में बीजेपी की ही सरकार आएगी। लेकिन इस बात को भी पूर्ण रूप से सही नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि अगर मैं मौजूदा सरकार के कार्यकाल की बात करता हूँ, बीजेपी के कार्यकाल की बात करता हूँ, तो देखिए 4 साल के अंतराल में सरकार ने कितनी योजनाएं बनाई और उन योजनाओं से कितने लोगों को लाभ हुआ और कितने लोगों को नहीं। साल 2014 में पीएम मोदी ने जो बातें कही थी, क्या उन जो वायदा उन्होंने जनता से किया था, क्या उन वायदों को उन्होंने पूरा कर दिया? क्या बेरोजगार लोगों से जो वायदा किया था वो वायदा उन्होंने पूरा कर दिया? जी हाँ, ये तमाम सवाल है। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। 4 साल की अगर हम बात करते हैं, साल 2018 चल रहा है और अभी तक का जो देखने को मिला केवल 2 लाख लोगों तक ही नौकरियां पहुंच पाई हैं, इसके अलावा और लोगों के पास रोजगार नहीं है। गौर करने वाली बात तो देखिए ये भी है, सरकारी संस्थानों की मैं बात करता हूँ और सरकारी संस्थान भी बहुत सारे ऐसे जहाँ खाली पड़े हैं, जहाँ पर नियुक्तियाँ होनी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार का ध्यान इस ओर है ही नहीं और सरकार वहाँ पर फॉर्म्स नहीं निकाल रही। जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे परीक्षा को लेकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार वहाँ पर फॉर्म ही नहीं निकालेगी तो जाहिर सी बात है जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। युवा वर्ग के लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी कि जो सरकार ने वादा किया था उन वायदों को पूरा नहीं किया गया। चलिए मैं कमेंट्स की तरफ अगला कमेंट लेता हूँ विनोद दुबे का। विनोद दुबे लिखते हैं कि राजनीतिक पार्टियाँ पब्लिक शोषण करती रही हैं, ये इन्होंने बात लिखी है। और रितु ने एक कमेंट लिखा, वो लिखती हैं कि राहुल गांधी जी जिंदाबाद और नेक्स्ट पीएम जो है वो राहुल गांधी ही होंगे, इस तरह की बात उन्होंने लिखी, राहुल गांधी जी। खैर ये तो जनता तय करेगी कि राहुल गांधी पीएम होंगे, मायावती पीएम होंगी, या फिर पीएम मोदी जो है
वो सत्ता संभालेंगे। जनता जिसे वोट करेगी, जनता जिस पर भरोसा करेगी, वही पीएम होगा अगले साल। चलिए अगला कमेंट लेता हूँ। अगला कमेंट भी वैसा ही था, और जैसा कि हमने हम बात भी की चुनाव को लेकर, तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी घिरती हुई नज़र आ रही है। रोजगार का मामला है, सरकारी संस्थानों पर जो फॉर्म्स नहीं निकाले गए वो मामला देखने को मिला, किसान परेशान है ये मामला देखने को मिला, और जिस तरह से महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वायदे किए गए बीजेपी की तरफ से, लेकिन उन वायदों को सही ढंग से पूरा नहीं किया गया। उनकी सरकार सत्ता में आई लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा कदम भी नहीं उठाया गया, जिस तरह की बात महिला नेताओं ने की थी। बहरहाल देखते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति रहती है लोकसभा चुनाव की, और कौन जीतता है कौन हारता है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।